हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के लेक्चर 9 की तरफ आज हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्वेराइजिंग मिल के बारे में। जीटीयू में दोस्तों ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। जनरली आप लोगों को बाउल मिल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये टॉपिक बेसिकली दो टाइप के मिल्स होते हैं। सबसे पहले मिल्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पल्वेराइजिंग मिल्स आर ऑल्सो नोन एज अ पल्वेराइजर एंड इट इज़ यूज टू कन्वर्ट योर रॉ कोल। रॉ कोल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम लोगों को कोल मिलता है, जो कि लंप साइज के होते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट लेक्चर में, पत्थर के टुकड़ों की तरह बहुत ही बड़े बड़े मजबूत। ठीक है, तो इस तरह से जो कोल्स होते हैं उस कोल्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, जो डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं, उन डिवाइसिस को बोलते हैं पल्वेराइजिंग मिल। क्यों किया जाता है? तो मैंने ये भी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिले हुए कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही फंडा है कि जो भी कोल आप लोगों का पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसका सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में एरिया बढ़ेगा, उतना ही अच्छा कम्बशन हम लोगों को मिलेगा। मतलब कि इनकम्प्लीट कम्बशन के चांसेस कम हो जाएंगे और कम्प्लीट कम्बशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों को प्रॉपर फ्यूल का कम्बशन मिलेगा, और जितना अच्छा कम्बशन मिलेगा उतनी ही हीट एनर्जी आप लोग आउटपुट में ले सकते हो। तो ये हमारा मेन पर्पस था कि हम लोग हमारे पाउडर फॉर्म के हमारे नेचुरल रिसोर्स वाले कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो मिल्स का यूज होता है, तो बेसिकली दो टाइप की मिल्स होती है, इम्पैक्ट मिल एंड एट्रिशन मिल। इम्पैक्ट मिल के भी दो टाइप है, बॉल मिल एंड हैमर मिल, और एट्रिशन मिल के दो टाइप है, बाउल मिल एंड दूसरा है बॉल एंड रेस मिल। ये चार में से बाउल मिल जो है वो हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है। जीटीयू के अंदर बाउल मिल 2 से 3 बार आ चुका है, 3 या 4 मार्क्स का सवाल है। अगर ये सवाल आप लोगों को पूछते तो आपको इसके अंदर फिगर ड्रॉ करनी है और इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जियोमेट्री समझाता हूँ कि बाउल मिल बेसिकली किस तरह से होता है। तो दोस्तों ये है आपकी बाउल मिल की जियोमेट्री। बाउल मिल कुछ इस तरह से होगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। वेट, मैं ब्रश से आपको बताऊं। बाउल मिल कुछ इस तरह से होगा, ये है आपका आईडी फैन। ठीक है, यहाँ पर आईडी फैन मतलब कि इंड्यूस ड्राफ्ट फैन। आप लोगों को इंड्यूस ड्राफ्ट फैन का मतलब मैंने बताया था, जो कि सक्शन पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर बाउल मिल के साथ में ये आप लोगों की होगी स्प्रिंग। स्प्रिंग का मेन फंक्शन क्या होता है वो आपको पता है। स्प्रिंग जनरली हम लोग यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब दिस शॉक। अभी शॉक क्यों लग रहा है? तो शॉक इसीलिए लगेगा क्योंकि ये है आपका रोटेटिंग बाउल्स। ये जो दो देख रहे हो ना, ये आप लोगों के बाउल है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट होंगे, और ये जो बाउल है इसके बीच में ये जो आप लोग छोटे 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 डॉट्स देख रहे हो, ये है हमारा रॉ मटेरियल का कोल। यहाँ पर होगा आप लोगों का होपर, ओवर हियर ये आप लोगों का होपर है। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिले कोल को सम्प करेंगे। यहाँ से हम लोग हमारे कोल को एंटर करवाएंगे। ये कोल फ्लोट होकर के आपके ये बाउल मिल के चैम्बर के बीच में आएगा। बाउल मिल क्या होगा, तो आपका कंटिन्यूसली रोटेट रहेगा, और ये रोटेशन रोटेशन वाले पार्ट्स के बीच में हमारा जो नेचुरल रिसोर्स से मिला हुआ कोल होगा वो कंटिन्यूसली यहाँ पर क्रश होते जाएगा। होता क्या है जनरली कि ये जो आपका क्रशर होता है, इसकी आरपीएम एटलीस्ट मोर देन 1500 से भी ज़्यादा आरपीएम, इतने हाई रोटेशनल स्पीड पर ये घूमता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कोल जनरेट होगा पाउडर फॉर्म में, वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स में जनरेट होगा, वो इजीली एयर के अंदर फ्लोट होगा। ये आईडी फैन एक्चुअली इसीलिए रखा जाता है कि आईडी फैन क्या करेगा कि जब आप लोगों के कोल का इसमें कन्वर्जन होगा पाउडर फॉर्म में, वो जब एयर में फ्लोट होगा, उड़ेगा, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हो, तो ये आईडी फैन क्या करेगा, उसको सक करेगा। आप लोगों को ये डायरेक्शन दिख रही होगी, ठीक है, ये डायरेक्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ से आप लोगों का कोल आईडी फैन के थ्रू सक होकर के फिर हम लोग उसको भेज सकते हैं हमारे कम्बशन चैम्बर में। ये तो वर्किंग की बात है, लेकिन मैं आपको जियोमेट्री समझा दूँ। ऊपर आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने आप लोगों के स्टेशनरी स्प्रिंग लोडेड रोलर्स को देख लिया। ये जो रोलर्स है, ठीक है, ये मैंने जो समझाया क्रशर, ये एक्चुअली हमारे रोलर्स है। आप लोग टेक्निकली इसको रोलर्स बोल सकते हो, जो कि आप लोगों के वन टाइप ऑफ गियर मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। ये है आप लोगों का गियर मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ से ये कंटिन्यूसली रोटेट होते रहेगा। फिर आप लोग देख सकते हो कि फ्रॉम बॉटम ऑफ योर ऑब्जेक्ट हॉट एयर स्ट्रीम
फ्रॉम एयर प्री हीटर, यहाँ से हम लोग हमारी हॉट एयर को एंटर करवाएंगे, ठीक है। हॉट एयर को एंटर करवाने का मतलब फंक्शन सिर्फ एक ही है, मैंने आप लोगों को बोला था कि नेचुरल रिसोर्स से हम लोगों को जो कोल मिलता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट के चांसेस ज़्यादा है, तो ये मॉइस्चर को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग जो भी हॉट एयर होती है हमारी, उस हॉट एयर को यहाँ से पास आउट करवाते हैं ताकि आप लोगों के नेचुरल रिसोर्स से मिले कोल को हीट दे करके मॉइस्चर कंटेंट को दूर कर दिया जाए। तो एंड लास्ट वन इज़ ओवर हियर, दिस इज़ योर क्लासीफायर, ठीक है। क्लासीफायर का मतलब ये हो गया कि आप लोगों का जो पाउडर फॉर्म होगा ना, सिर्फ वही आईडी फैन के थ्रू सक हो करके आगे की तरफ जाएगा। क्लासीफायर क्या करेगा कि आप लोगों के जो सॉलिड पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब कि अभी भी जिसको क्रश करने की ज़रूरत है, तो क्लासीफायर में वो इकट्ठे होते जाते हैं, फिर उसको वापस से क्रश किया जाता है। तो ये बेसिक फिगर थी, जियोमेट्री थी, कि जिसके बेस पर आप लोग समझ सकते हो कि आपका बाउल मिल किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बाउल मिल के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले, इट इज़ वाइडली यूज फॉर पल्वेराइजिंग द कोल, जैसा कि फंक्शन के अंदर मैंने बताया था मिल्स के। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी रोलर्स माउंटेड ऑन एन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन रोटेटिंग बाउल। ये जो बाउल्स है, फर्स्ट वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों मोटर से चलने वाले, आप लोगों के ड्रिवन शाफ्ट के थ्रू चलने वाले रोलर से, जो कि कंटिन्यूसली रोटेट होंगे, जिसका आरपीएम मैंने आपको एक एक अंदाजित वैल्यू बताई थी, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी कि दस आरपीएम ऑफ द रोलर्स मे बी अराउंड 1500, ठीक है। इतना हायर स्पीड के ऊपर हमारा रोलर्स दोनों साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये रोल करेगा। कोल इज फेड थ्रू द होपर, गेट्स पल्वराइज बाय एट्रिशन एस पासिस बिटवीन द साइड्स ऑफ द रोलर्स एंड द बाउल। मैंने आप लोगों को फंक्शन में बताया था कि हमारा जो होपर होगा, यहाँ से हम हमारे नेचुरल रिसोर्स से कोल को एंटर करवाएंगे, और ये कोल आप लोगों के रोलर्स के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स जो है, ये आप लोगों का नेचुरल रिसोर्स से मिला हुआ कोल है, ठीक है, जो कि लंप साइज में होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर की साइज में होता है। तो जैसे आप लोगों के रोलर घूमते रहते हैं, ये रोलर के बीच में आप लोगों का कोल क्रश होता है, और कोल क्रश होने की वजह से वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जो पाउडर फॉर्म में आप लोगों का कोल कन्वर्ट होगा, इस कोल को हम लोग फिर यूटिलाइज करने वाले हैं। हॉट प्राइमरी एयर इंट्रोड्यूस इनटू द पल्वराइजर थ्रू द बॉटम ऑफ द बाउल कैरीज ऑफ द कोल्ड डस्ट इनटू द सेंट्रली लोकेटेड क्लासीफायर फिटेड एट द टॉप टॉप। मैंने आप लोगों को बताया था क्लासीफायर का फंक्शन, हॉट एयर क्या करेगी, यहाँ से दो काम करेगी। पहला, तो अगर आप लोगों के नेचुरल रिसोर्स से मिले हुए कोल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो मॉइस्चर को दूर करेगा। सेकंड चीज़ ये करेगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिले हुए कोल के अंदर इम्प्योरिटीज़ होगी, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो इम्प्योरिटीज़ हॉट एयर की वजह से यहाँ आपके क्लासीफायर में वो कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दो फंक्शन हो जाएंगे, एक अगर अगर देखो सीधी सी बात है, अगर डस्ट पार्टिकल आपके कोल के पार्टिकल्स के साथ में चिपके हुए, तो उसको क्रश करना थोड़ा मुश्किल है, तो डेफिनेटली डस्ट पार्टिकल तो दूर हो ही रहे, लेकिन जो कोल आप लोगों का प्रॉपरली क्रश नहीं हो पा रहा, वो भी आप लोगों का रिमूव हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रशर में फिर से वापस क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का क्लासीफायर का दो फंक्शन हो जाएगा, क्लासीफायर आप लोगों को प्योर कोल करके देगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन का भी काम करके दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कोअर्स पार्टिकल ड्रॉप बैक इन टू द बाउल, जैसा कि मैंने अभी बोला, कोअर्स मतलब पे बड़े बड़े पार्टिकल जो कि फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हुए, इन टू द बाउल थ्रू द सेंटर कॉन ऑफ द क्लासीफायर, वाइल द फाइन कोल डस्ट एयर मिक्सचर इज लेड अवे टू द बर्नर। जो कि आपका फाइन पार्टिकल्स होगा, वो फाइन पार्टिकल हम लोग हमारे सॉरी फाइन पार्टिकल्स हो हम लोग यहाँ से आईडी फैन के थ्रू सक करके आगे फर्नेस की तरफ जाने देंगे, जो कि मैंने आप लोगों को फिगर के अंदर समझाया था। तो ये बेसिक फंक्शन था कि बाउल मिल किस तरह से काम करता है। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो बताता हूँ यूट्यूब के ऊपर वर्किंग, इस वीडियो के बेस पर आप लोगों को और भी जल्दी समझ में आएगा। सॉरी, हाँ ये है आपका बाउल मिल, ठीक है। अभी ये बाउल मिल के अलग अलग पार्ट्स आप लोगों को दिखाया जाएगा, गियर बॉक्स असेंबली, मिल साइड असेंबली, सॉरी ये है मिल्स, ये है रोलर्स, देखे ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है रोलर्स। इस तरह से रोलर्स आप लोगों की कंटिन्यूस घूमते हैं, ये रोलर्स आप लोगों की मोटर के साथ में, मोटर साइड मोटर की शाफ्ट के साथ में, जिसको ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं, उसके साथ में अटैच होते हैं। कोल फीड मतलब कि आपका होपर, कि यहाँ से हम लोग नेचुरल रिसोर्स से मिलने वाले कोल को फ्यूल पाइप, या ये पाइप्स के थ्रू हम लोग एंटर करवाएंगे हमारे रोलर्स के आजू बाजू में हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिले हुए कोल को।
गेट वाल्व, मतलब कितना फ्यूल जाने देना है कितना नहीं, वन टाइप ऑफ कंट्रोलिंग डिवाइस, सेपरेटर बॉडी ताकि आपके पाउडर फोम के कोल को अलग कर सके, और स्प्रिंग असेंबली, क्यों तो शॉक एब्जॉर्बर के लिए, क्योंकि आपका रोलर कंटिन्यूसली घूमने वाला है तो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, जर्नल ओपनिंग कवर, ये सारे के सारे उसके पार्ट्स हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो मेन वर्किंग है। ये पूरा डिसमेंटल करके दिखाया है कि किस तरह से पार्ट्स होता है। अब रोलर का पार्ट्स देख सकते हो नीचे किस तरह से अलग हो गया है, कैसे ये असेंबली होगा, ठीक है, आप देख सकते हो फिगर के अंदर, वीडियो के अंदर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी मतलब कट सेक्शन दिखाया है 90 डिग्री पर, राइट एंगल, एज यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो। ये है बाउल मिल पल्वेराइजर, मैं आप लोगों को इसका एक वर्किंग भी दिखाता हूँ, आई थिंक सेकेंड वीडियो में इसका वर्किंग भी है। सेम वीडियो है, शुरुआत में आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन ही मिलेगा, आप लोगों को अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे बाउल मिल के कंपोनेंट्स का, कि बाउल मिल किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये एनिमेशन वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकल बताने के लिए, कि ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली पता चलेगा वर्किंग किस तरह से होता है। नीचे गियर बॉक्स आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि हमारी जो शाफ्टिंग होगी, मतलब कि हमारे जो रोलर्स होंगे वो मोटर के ड्रिवन शाफ्ट के थ्रू चलने वाले, तो गियर बॉक्स देने का मतलब ये है कि हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकें, कब हमारी स्पीड ज़्यादा करनी है, कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है, उसी के बेस पर हम हमारे रोलर्स को चला सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि गियर बॉक्स दिया जाता है, जिस तरह से टू व्हीलर्स के आई इंजन के अंदर, फोर व्हीलर्स के अंदर होते हैं, ठीक है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर भी गियर बॉक्स होता है। देखिए दोस्तों, ये है आपका रोलर, ठीक है, रोलर कुछ आप लोगों का इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट किया जा सकता है। ये है मोटर, नीचे मोटर के थ्रू आप लोगों का बैड घूम रहा है, हम लोगों ने यहाँ से कोल को फीड किया, कोल आप लोगों का आया जो कि आपके रोलर्स के सराउंडिंग में जाएगा। यह है आपका होपर, जहाँ से हम हमारे फ्यूल को एंटर करवा रहे हैं, आप देख सकते हो कोल गिर रहा है, कोल जैसे जैसे गिरते जाएगा आपके रोलर के साथ में जमा होगा, आपका रोलर घूमेगा, और रोलर जैसे घूमेगा उसके रोलिंग फोर्स की, रोटरी मोशन की वजह से क्या होगा, तो आप लोगों का कोल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा। एज यू कैन सी, आप देख सकते हो किस तरह से आपका रोलर घूम रहा है, और उसके नीचे दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों का जो भी पाउडर फॉर्म वाला कोल है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ। वेट, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप लोगों का जो भी पाउडर फॉर्म का कोल होगा वो फाइन पार्टिकल्स आप देख सकते हो यहाँ से ही ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस वे, ठीक है, ये आईडी फैन के थ्रू हम लोग इसको सक कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वर्किंग था आप लोगों के बाउल मिल का, के बाउल मिल हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाउल मिल आप लोगों को होप समझ में आया होगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आप लोगों को समझा दूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे पहले हम लोग एडवांटेज समझते हैं, सॉरी, इट इज़ लोअर एनर्जी कंजम्पशन, बहुत ही कम पावर में चला सकते हैं, 12 to 15 kW/ton। सेकेंड वन, लेस ओवरऑल डायमेंशंस, छोटी साइज में भी इसको मैन्युफैक्चर करना हो तो हम लोग कर सकते हैं इजीली। थर्ड वन, क्लासीफायर कैन बी एडजस्टेड टू अल्टर द डिग्री ऑफ कोल फाइननेस वाइल द मिल इज ऑन। आप लोग क्लासीफायर को सेट कर सकते हो, जितना फाइन पार्टिकल क्रिएट करना है आपके रोलर्स के थ्रू उसके हिसाब से हम आपके क्लासीफायर को सेट करके रख सकते हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है। फोर्थ वन, लीकेज ऑफ कोल फ्रॉम द मिल केसिंग इज प्रैक्टिकली नील बिकॉज इट ऑपरेट्स एट नेगेटिव प्रेशर। कोल के लीकेज होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर काफ़ी कम होगा, प्रेशर कम होने की वजह से क्या है कि आपका पाउडर फॉर्म इजीली आईडी फैन के थ्रू सक हो रहा है, तो लीकेज होने के चांसेस काफ़ी कम है। एंड द लास्ट वन इज़ इट प्रोड्यूसिस लेस नॉइस, आवाज़, मतलब नॉइस पॉल्यूशन के कोई चांसेस है ही नहीं था ना, कोई ज़्यादा आवाज़ क्रिएट ही नहीं होने वाला रोलर के घूमने की वजह से, कि जिससे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला, इट इज़ सेंसिटिव टू मेटालिक ऑब्जेक्ट एंटर अलोंग विद द कोल,
सेंसिबल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स से मिलने वाला कोल इम्प्योरिटी से भरा हुआ होता है। तो अगर उसके अंदर कोई मेटालिक पार्टिकल है तो ये मेटालिक पार्टिकल क्या करेगा कि आपके रोलर को वियर एंड टियर प्रॉपर्टी देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि अगर नेचुरल रिसोर्स से मिले हुए कोल के अंदर मेटल पार्टिकल है तो मेटल पार्टिकल डैमेज कर सकता है आपके वर्किंग डिवाइस को। नेक्स्ट वन, अनइवन वियर ऑफ द ग्राइंडिंग पार्ट्स प्रेजेंट्स रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। मैंने पहले ही बोला कि देखो रोलर की जो साइज़ होती है वो थोड़ी अनइवन होगी, आप लोगों के दूसरे मूविंग पार्ट्स होंगे वो थोड़ी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगी, ग्राइंडिंग पार्ट्स जिसको बोल सकते हैं। आप लोगों ने ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील भी वैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, इसी तरह से रोलर भी यहाँ पर उसी तरह से होगा। तो ये ग्राइंडिंग की वजह से क्या होगा कि आप लोगों का मेंटेनेंस जिसको हम लोग रिपेयरिंग बोलते हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ा सकता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए। तो बॉल मिल के बेसिकली इतना एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे, ये हमारी बॉल मिल की थियरी थी, पल्वेराइजिंग मिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पल्वेराइज्ड कोल बर्नर्स के बारे में, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अफेक्टिंग क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सा बर्नर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बाउल मिल के थियरी इंपॉर्टेंट है जीटीयू के लिए, उसे ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।